आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रामदेव जी महाराज रुपेरी करुण पुकार सुनते ही आ गया, नीचे आया। करुण पुकार सुनते ही नीचे आया। रूपे दर्जी चरणा में गिर गयो बाप जी। रामदेव जी महाराज घोड़े ने चीर के दिखावन लग गया। रूपो दर्जी बोलियो कि प्रभु पर्दे को पर्दे में रहने दो। पर्दे को पर्दे में, बोले पर्दे को राज पर्दे में रहने दो, क्योंकि घोड़ो चीर के दिखावला तो पूरे गांव रा कपड़ा खाए हूं, बीड़ा भी हंटर पड़ेला। अभी तो थारे घर रा हंटर पड़िया है, इमें सगली चीजें ठा पड़ गई है। रामदेव जी बोलिया, अजमाल जी बोलिया, बेटा जुलमी? बोले बाबू जी जुलमी मैं नहीं और रूपो दर्जी है। किया उसी समय हाथ जोड़ के रूपो दर्जी बोलियो, बाप जी अब नहीं। रूपा तू चोरी क्यों करे, तू चोरी क्यों करे रूपा? बोले बाप जी चोरी ई वास्ते करूं कि जवानी में हाथ पग काम कर रहा है, बुढ़ापे में काम नहीं करेला तो धन कुण देवेला। रूपो दर्जी रा बचन है। देखो रूपो दर्जी ने भगवान पूछा, रूपा चोरी क्यों करे व्यापार में? बोले चोरी ई वास्ते करूं। बोलो रामदेव जी महाराज की आप कथा में हो ये बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आप कथा में आए हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज आपके हृदय में रामदेव जी की कथा आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। सुनिएगा, हमारे आसपास में महादेव के मंदिर हैं, हम उसमें चले जाएं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दूर से कोई व्यक्ति आवे तो भी महादेव मंदिर में जाया करे। अपारे पास में भी रामदेव जी महाराज की कथा आ जावे नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं रामदेव जी महाराज के पास में जाकर के कथा हमारे अंदर में आके विराजमान हो जावे वो व्यक्ति जीव धन्य है हमारा भाई बहन। तो आज आप ये सब जो यहां विराजमान है ये अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन आपको जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो कार्य आप अपने कार्य को सिद्ध करें। एक बार जोरदार बोलना पड़े लो, और जोर से बोलना पड़े लो, और जोर से बोलना पड़े लो। आजकल आप लोग को जोर से बोलना आ गया है, जोर से बोलने की आदत रहेगी। क्या बोलोगे? रूपो दर्जी बोलियो, बाप जी बस बचा लो एक बार। क्यों? पूरे गांव का कपड़ा खाया हूं बाबा, हंटर पड़सी। रामदेव जी महाराज बोलिया, रूपा चोरी क्यों करे? बोले बाप जी चोरी ई वास्ते करूं कि बुढ़ापे रे माई ने जब धन नहीं रेवेला तब की रे सारे रेवला। जीते जी जीता काम करना है कर लो, मैं तो कहूं जब तक चले आपरी घर में तब तक सगला काम कर लो, बाद में किरी चाल से नहीं। अबा जब तक चाले जी का सगला काम कर लो, पछ बाद में कैसो कि भाई बेटो, अरे बेटा एक बार माहेश्वरी भवन ले रही साल, बेटा बाबेरी कथा हो रही, अरे माँ टाइम को नहीं, अबार तू थारे एक ली जाप रहे मन तो टाइम को नहीं माँ बार। चोरी क्यों करे रूपा? बोले चोरी वास्ते करूं, बुढ़ापे में पिया रेवेला तो कटी घुमाला। अरे जवानी में भगवान रो नाम लेकर के व्यापार करेला, ईमानदारी से काम कर सी तो बुढ़ापे रे मायने थारी कंचन सी काया रेवेली। दोनों पगाऊं कदी एक पग में रंगनाथ रेवेलो तो एक पग श्रीनाथ जी रेवेला। दिन रात भगवान रे गुणगान गावेलो। और मेरे भाई बहन, अगर वृद्ध अवस्था, अगर जवानी में कुछ भी पाप किए तो उसका फल आपको वृद्ध अवस्था में मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी ग्रसित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा सब। रूपो दर्जी भगवान ने चरणों में पड़ा,
दूजो दूजो परचो रूपे दर्जी ने दीन्या। बाबो चिथड़लिया रा घोड़लिया उड़ाया जियो, बाबो चिथड़लिया रा घोड़लिया उड़ाया जियो, घड़ी घड़ी खम्मारी कावरे अजे मालरा, घड़ी घड़ी खम्मारी कावरे अजे मालरा। रामदेव जी महाराज बोलिया रूपा आज के बाद चोरी, बोले बाप जी आज के बाद चोरी तो कई कोस दूर है, कोई थारे नाम सु अगर आ गए हो नहीं ईमानदारी से घोड़ा सील देऊंगा, मारे नाम से नहीं रूपा, कोई भी धार्मिक कार्य में अगर थारो अंश लागे तो तेरे घर की धन शुद्धि हो जाएगी। रूपोधर जी बोले बाप जी घनी खम्मा। रामदेव जी महाराज आशीर्वाद दिया, कलयुग में दर्जी परिवार नाम कमावेला। आजकल दर्जी परिवार के दुकान के बाहर नहीं लिखा होता है दर्जी की दुकान, ये नहीं लिखा होता है वेस्टर्न स्टाइल है, यहाँ पर गोगा सर्रो है, यहाँ पर मोमा सर्रा है, यहाँ पर जैसलमेर पाली बीकानेर डूंगरगढ़, लेकिन दुकान रे बारे लिखा सी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल। क्यों? दर्जी की स्टाइल चेंज हुई है, जैसा कपड़ा चाहो वैसा सिलेंगे। और भगवान बोलिया जितनी स्टाइल ना चेंज करेला भी तो ही धन कमावेला, कपड़ा ने अडू फाड़ोला तो कपड़े की कीमत बढ़ सी, कपड़ा ने लारू फाड़ोला तो कीमत बढ़ेली। मारा भाई बहन ऐसो रामदेव जी महाराज के चरणों में रूपो दर्जी भगवान ने बोलियो कि प्रभु आज के बाद आपने नाम सु सारा लोग रामदेव जी महाराज के नाम लेवता जा रिया है। सगड़ा मिलकर पैदल जावे लेवे बाबे रोना हो, सावन गयो आयो भादवो चाल रोनी चेता हो, सावन गयो आयो भादवो चाल रोनी चेता। सगड़ा मिलकर पैदल जावे, सगड़ा मिल करे पैदल जावे लेवे बाबे रो नाम हो, सावन गयो आयो भादे वो चले रोड़ी चेता, सावन गयो आयो भादे वो चले रोड़ी चेता। काज तो चलता रहसी ई दुनियादारी में हो, काम काज तो चलता रहसी ई दुनियादारी, भक्ति कर भगवान मिलेला, भक्ति कर भगवान मिलेला क्या सुबह हो क्या शाम हो, कोई ने भक्ति वास्ते केवा सुबह करो शाम करो। रामदेव जी बोलिया काम काज तो चलता रहे सी दुनियादारी में, भक्ति करो भगवान मिलेला क्या सुबह और क्या शाम, सावन गयो आयो बाद वो चाल रोनी चे। दो मिनट की जय बाबा रे, बाओ भली करे। अभी बाबा की कृपा से हमारे रामदेव मंडल रामदेव ट्रस्ट के चेयरमैन श्री धनराज जी उपस्थित है, कृपया स्टेज पे पधारे। धनराज जी मैं सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जी मोहता से अनुरोध करता हूँ धनराज जी का सम्मान करें एवं गुरु जी से आशीर्वाद दिलाए। और मैनेजिंग ट्रस्टी रेखा राम जी पटेल,
मैं हमारे मंत्री श्री बंसीलाल जी से अनुरोध करता हूँ, रेखा राम जी का साल ओढ़ा के सम्मान करें। आओ भंडारी जी, हेलो, ट्रस्टी श्री शांतिलाल जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री वल्लभ जी कंडारी से अनुरोध है, इनका सम्मान करें। हेलो हेलो, आपका नाम है, रुक जाओ, लाइन से आएगा। कंडारी जी साहब, हेलो, पुखराज जी, पुखराज जी भी ट्रस्टी है, पधारो। सह मंत्री किशोर जी जेठा, पुखराज जी का सम्मान करें। तो पूरन जी, हमारे मंदिर के मेन पुजारी आ गए, भरत भाई कल आ गए, आप आओ। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। का स्वागत करेंगे जय नारायण दास जी राठी, हमारे कोषाध्यक्ष। वेंकटेश जी दाइमा पधारो, दिलीप वेंकटेश जी ने सम्मान करता है, कर दो कोई भी करो यार, कहीं आओ आओ आओ, इनका सम्मान हमारे दिलीप जी कोठारी करेंगे। चलो फोटो
मैं मंच पर नारायण भैया को बुलाना चाहूंगा एक बार। बंसी भैया मंच पे हैं। जीवन सिंह जी भाई जी को मैं बार बार ऊपर चढ़ाना नीचे मेरे लिए, लेकिन एक बार चाहूंगा कि आप मेरे भाई बहन इस संस्था के नींव के जो पत्थर होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, वो कभी दिखते नहीं है, और आज आपके सामने साक्षात मंच के ऊपर ये तीनों रत्न दिख रहे हैं आपको। इन्होंने जीवन में परिवार में सबको सत्संग दिया है। एक पिता अपने बेटे को धन देता है, पूत कपूत क्यों तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो कपूत ने कितना ही धन दे दो वो लुटावेला, और सपूत ने एक नायो भी ना दो लेकिन बाप जी वास्ते भवन बना के छोड़ जावेला। मारे बाबू जी नाम रहे। शिक्षा इनसे लेनी चाहिए कि अपने जीवन में अपने घर में थोड़ा सा धन, अभाव में आदमी दुखी नहीं होता है। मैं कहता हूं कभी अभाव में व्यक्ति दुखी नहीं होता है, व्यक्ति अपने स्वभाव से दुखी होता है। घर में कितना ही बड़ा मकान हो जावे फिर भी वो दुखी रह से, तो अपने जीवन में सत्संग को बढ़ा। कितने बताइए आप, राम भरत 12 वर्ष एक युग बीता उसमें कई सत्संग को लेकर के। मैं आप सबके करतल धोने से इनके स्वागत को मैं चाहूंगा। सबसे वरिष्ठ हमारे जीवन भाई जी के लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ। बंसी नारायण भाई जी राम भरत और लक्ष्मण स्वयं अल्लारे हनुमान जी मारे मुबारक बोलो द्वारकाधीश की। पाछे पवन तने सिरुनावा, सबने राम जी की जयकार लगाई, राम जी के जयकार सबने लगाई, लेकिन हनुमान जी ने सबसे अंत में जयकार लगाया राम जी का। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इस
माहेश्वरी भवन में एक हनुमान का पात्र भी निभाया जा रहा है। हमारे दिलीप जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाए एक बार। दिलीप जी कार्य को छोड़ के एक बार आ जाए और मैं हमारे मंदिर के पुजारी जी से निवेदन करूंगा उनका सम्मान करें। दिलीप जी कोठारी जल्दी आ जाए फिर कथा की रूपरेखा को आगे बढ़ाई जाए। मैं मंदिर के पुजारी जी प्रवीण जी से निवेदन करूंगा उनका आप सम्मान करें। कार्य और कर्ता दोनों को पीछे रखते हुए ना नाम चाहिए ना सम्मान चाहिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए वाणी में रस की कभी कमी नहीं। हमेशा कार्य को करते हुए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से। बोलो द्वारिकाधीश की ये सब सम्मान के भोगे नहीं है। इनका नहीं भी कराए तो भी है लेकिन पुजारी जी महाराज जो नित्य मंदिर में निवास करते हैं उनसे इनका आशीर्वाद दिलवाया गया कि भगवान इनके कंचन सी काया को हमेशा ये ऐसे ही दौड़ते रहे। बोलो रामदेव जी महाराज की। रामदेव जी महाराज की उम्र लाड प्यार में होगी 10 वर्ष। एक दिन माँ ने बोलिया माँ माँ घर बारे नहीं खेलने जावाला। तब लोग किया जान सी कि मैं लोग किया जान सी कि मैं मैना दे रहा बेटा ठाकरा तवन वंश का मैं पुत्र हूं। माँ बोली बेटा जाओ तो सही थे लेकिन याद रखिया 3 दिशा में जाया खेलन वास्ते लेकिन 1 दिशा छोड़ दिया। कौन सी? अगर आगुने भी जाई जे बेटा आगुने भी जाई जे आगुने भी जाई जे बेटा आगुने भी जाई आगुने भी जाई जे अरे बेटा पर दक्षिण दिशा में मत जाई जे जिए बेटा दक्षिण दिशा में मत ना जाई जे जियो घणी घणी खमारे कवरे अज मारदा घणी घणी खमारे कवरे अज मारदा मारे रोनी चारे मारे रोनी चारे राजा ने मतावा जियो गोड़े गावा जियो घड़ी घड़ी कंपारे कवर अज पालगा द्वारकाधीश की जय। आगुने आथुने तीनों दिशा में जाया लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाया। क्यों माँ? बोले दक्षिण दिशा में एक भैरव नाम को राक्षस है। सारी दुनिया में लोगों ने जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब ने खा रियो है अभी तक भी रो पेट नहीं भरियो है। जैसो खावे अन्न और वैसो हो जावे। मन की शुद्धता के लिए परमात्मा के चरणामित्र को लेना जरूरी है और मन को विशुद्ध बनाना है तो परमात्मा का नाम लेना जरूरी है और मन को शुद्ध की जगह आ लगा दो तो क्या बन जाएगा? अशुद्ध। बनाना है तो जो चीज आए वो खाते चलो। मीराबाई बोलती ईद में तो मिंदरिया में घूघरिया घम का सा रे मा हो मैं तो ओ मारो नित चरणा मित्रो प्रण रे मा अब रणो सारु से
तो रूसन दे, हो मैं तो मिंदरिया में घुघरिया, गम का सारे मां। अब राणो रुसे तो रुसन दे, मैं तो रोज भगवान ने तुलसी दल लेकर के चरणामित ले ली और मिंदर में जाके ठाकुर जी का घुघरिया घमका के नित्य करूं ली। मारा भाई बहन रामदेव जी महाराज बोलिया माँ मने जान दे, माँ बोली परकोटे के माए के लिए बेटा बारे मत जाया, होगम माँ सा। माई ने गया बारे खेलन ला गया, खेलते खेलते एक टीम बनाई, दो एक टीम रा सरदार रामदेव जी, दूसरी टीम रा सरदार, एक टीम रा सरदार रामदेव जी, दूसरे टीम रा सरदार ब्रह्मदेव जी महाराज। शर्त रखिया कोई भी ई गेंद ने परकोटो बारे गिरावे लो बिना यो गेंद लाके देनी पड़ेली, अगर वो नहीं लाके दियो तो कंधे पे चढ़ा करके 10 चक्कर कटाना पड़ेला, मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। ब्रह्मदेव जी महाराज गेंद खेले तो जिया कोई टावर खेल रही है, लेकिन रामदेव जी महाराज के पास में जब गेंद आई तो रामदेव जी महाराज के पास में गेंद आते ही मन में याद आई कहीं दड़िया रमता रामदेव जी कोई न जावे साथ, दड़िया रमता रामदेव जी मन में करो विचार, भैरुड़े रे करने दुख पावे संसार, दड़िया रमता रामदेव जी मन में करियो विचार, भैरवड़े रे कारणे दुख पावे संसार, तोरो दीनो गेंद के गैया का सा पान हिलिया तरवर हिलिया दूजी सब बन राय, पान हिलिया तरवर हिलिया जिता भी वृक्ष था कंपायमान, हवा ने जानो तो पूरब की तरफ जा रही है उत्तर की तरफ, देवता पुष्पों की बरसात कर रहा है भगवान के ऊपर। जब जब हो धर्म के हानि, 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 बड़ई असुर अधम अभिमानी, बड़ई असुर अधम तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धरि हरि कृपा निधि सजन पीरा, हरि कृपा निधि सजन जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, धर्म के हानि, धर्म के जब जब हो जा गा बाबा गा मामा गा मामा, जब जब हो धर्म के हानि, धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि तो क्या होगा? बोले बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब असुरों का जमावट हो जाएगा, अधर्म ज्यादा फैलने लग जाएगा, उस समय क्या होगा? बोले तब तब धरी हरी विविध शरीरा, भगवान के अनेकों रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे, और हर ही कृपा निधि
भगवान कृपा निधान है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। रामदेव जी के रामदेव राम में कृपा री बरसात होया करे, ई वास्ते तो सगला लोग दौड़ता रामदेव राम पुग्या करे। पूरे हिंदुस्तान पूरे राजस्थान में सबसे बड़ो जो को मेलो है वो रामदेवरा को मेलो है, सबसे बड़ो मेलो। मारा भाई बहन ऐसी महिमा हुई, रामदेव जी महाराज सभी देवता पुष्प बरसाया, हे द्वारकाधीश आज आप रामदेव को रूप बना के आया हो। जब आप राम बनिया तो रावण ने मारिया, जब आप कृष्ण बनिया तो कंस ने मारिया, आज प्रभु कलयुग में रामदेव जी को अवतार है, आज लागे भैरव नाम के राक्षस ने भगवान तारे। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, पापी तो स्वयं मर जाए कर कर खोटे, खोटा काम करन लाग जाओ अपने आप नाम तमाम हो जावेला, और थोड़ा सा पुण्य रा काम करन लाग जाओ घर में बैठे बैठे आदमी रा नाम होन लाग जावेला। थोड़ा सो अच्छो काम करो, अपने हाथ से एकादशी जब निर्जला आवे तो लोगों ने जल पिलावन लाग जाओ, जब कभी कोई एकादशी आवे तो आप कुछ अपने हाथ से थोड़ो दान करन लाग जाओ, अमावस्या आए तो पंडित जी के चरणों में थोड़ा दक्षिणा दे के आशीर्वाद लेवन लाग जाओ। ऐसे आपके जीवन के 2 महीने बीतेंगे और 3रे महीने में आपके परिवार में खुशबू बनने लग जाएगी, अपने आप धन के कोठे भरने लग जाएंगे, मन आपका विशुद्ध हो जाएगा, बेटे जो बिगड़े हुए मन वाले हैं वो आपके चरणों में आके प्रणाम करने लग जाएंगे, बाबू जी बताओ और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि औषधि है ये परिवार को शुद्ध करने की। जिस प्रकार से कोई रो शरीर खराब हुआ है तो वो औषधि लेके शरीर ने ठीक करे, उसी प्रकार से अगर परिवार में कोई चीज बिगड़ोड़ी है बिने शुद्ध करनो है तो भगवान बोले ए ए मार्ग है सवा महीना ई मार्ग में चाल के देखो अपने आप आपरा घर रा मार्ग ठीक हो जावेला। सभी लोग बोलिया आप मेरे सागे चलो, आप मेरे सागे चलो। रामदेव जी महाराज सब ने बोलिया आप मेरे सागे चलो गेन लेने वास्ते, सब मना कर दिया मैं तो नहीं जावाला, बोले क्यों आप रे ऊपर डाई लागी है आपने लानो पड़ेला। रामदेव जी महाराज बोलिया काई लागी, बोले काई लागी डांट टूट जावे डाई लागी है आप ले रहो। रामदेव जी महाराज अकेला जा रहा है गेन लेने वास्ते, रात्रि को समय संध्या को समय हो गयो है, अकेला जात है रामदेव जी कोई ये ना जावे साथ, वन में धूनी तापता गुरु मिल गया बाली नाथ। अकेला गया रामदेव जी महाराज, शाम के समय 4 चीजों को करना मना है। श्रीमद् भागवत जी कहती है चत्वारी कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, 4 चीज कभी भी भूल से कर लोगे तो आप जीवन में कभी भी अपने स्वास्थ्य से उत्तम लाभ नहीं पा पाओगे। शरीर वृद्ध अवस्था में भी कानों से सुनाई पड़ रही है, आंखों से दिखाई पड़ रही है, नासिका से प्रकृति की सुगंध आ रही है, तो याद रखिएगा आपने अपने शरीर से खिलवाड़ नहीं किया है, इसलिए शाम के समय 4 चीज करना मना है। आपको मालूम है 4 चीज कौन सी है? वो पहला है संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, ये तो आपको मालूम ही है, आप कहां सो रहे हो? आप सब तो कीर्तन करने के लिए आए हो, देखो भाई श्री भवन में क्या आनंद से आप ठाट से बैठे हो,
घर रे मायने कोई नीचे बैठन वास्ते कह दे तो पग में झंझनाट हो जावे, अटे पग में झंझनाट भी चाल रही है तो भी नीचे बैठोना क्यों? बोले बाप जी री गोदी में बैठोना। आज रामदेव जी री गोदी में आपा विराजमान है, क्यों? बिना मालूम है कि आज अगर नीचे बैठ के अगर तपस्या कर ली तो मारा भाई बहन पूरे साल ई पगाऊं दौड़ा ला, ऐसी महिमा हुई। रामदेव जी महाराज देखो, पहला है सोना नहीं चाहिए, इस समय सो जाओगे तो रात में नींद री गोलियां खाओला तो भी नींद नहीं आवेली। दूसरा है इस समय ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करोला तो उदर की बीमारी हो जाएगी, जठर अग्नि इस समय। अल्पहारी स्वान निंद्रा वको ध्यानम, अल्पहारी चाहिए, थोड़े थोड़े आप इस समय कुछ बाल भोग ले सकते हो। इस समय स्वाध्याय करनो मनो है, पढ़नो मना है। जो बच्चा इस समय पढ़ाई करे वो एग्जाम में जा फेल होके आया करे, सर्टिफिकेट माने दिखाया करे, माँ मैं फेल आ गया हूं माँ। अरे बेटा ये कैसे आया? बोले माँ शाम के समय जितनी भी मिस है शाम के समय आवे, मैडम और सर होते हैं ना जो पढ़ाने आते, क्या कहते हो यहाँ पर आप लोग? मिस कहते हो? मम्मी गुड इवनिंग मिस, मिस आ गई। बिना मालूम है शाम के समय आइए फेल करने वास्ते आइए, क्योंकि इस समय व्यक्ति अपने मस्तिष्क में याद करोड़ी जितनी भी चीजें हैं भाई याद को नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि संध्या के समय माता सरस्वती के श्रृंगार का समय है, माँ सरस्वती अपना श्रृंगार करती है, जब माँ अपना श्रृंगार करती है तो बच्चों को बाहर रखती है, और जब माँ अपना श्रृंगार कर लेती है तब बच्चों का श्रृंगार करती है विद्या से, और फिर बच्चे ने सिखावे माँ। चौथी है मैथुन क्रिया, पति और पत्नी के जीवन में शरीर को जो संबंध है वो शाम के समय में अगर कभी भी भूल से हो जावे तो बारे घर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दंतवक्त और शिशुपाल, रावण और कुंभकर्ण ऐसे दैत्य को जन्म लेने में कोई समय नहीं लगेगा। आज हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, शादी के बाद सीधा पहुंच जाएंगे और उनको ये नहीं मालूम है संध्या हुआ है क्या हुआ है, शरीर दोनों के संबंध बनते हैं तब मालूम पड़ता है कि अरे इस राक्षस कटू आ गयो, बोले संबंध कब बनाया? बोले मालूम ही कौन है। याद रखो आप इस समय रे मायने चार चीजें तो एकदम वर्जित है। इसी समय दीति के हट से कश्यप मुनि को दीति को हट पूरा करना पड़ा, और दीति के हट से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस जन्म ले लिए उनके गर्भ से। इस समय काई करना चाहिए? अपारी बूढ़ी मायत बोले काहे रो दिवलो काहे री बतिया, काहे रो घिर्त बिलोरे मन मारो सिंजारो सुमरण। शाम के समय तो सुमरण करने को समय है, अपने घर में बैठ करके भगवान रा सत्संग करना चाहिए, अपने घर में बैठ करके भगवान रो नाम जपनो चाहिए कि भगवान आप कद मारे घर आओला, कद मारे घर आओला। और सतगुरु के श्री चरणों में रामदेव जी महाराज बैठोड़ा है और रामदेव जी महाराज सत्संग कर रहा है, सिखा रहा है रामदेव जी महाराज कि भैया अपने जीवन में नाम कमाना चाहो तो ऑफिस में अगर आपकी गद्दी में बैठे हो आप, माताएं अपने घर में बैठे हो तो शाम के समय बच्चों ने लेके ज्यादा नहीं 5 मिनट भगवान रे नाम कीर्तन तालियां बजा के करण लाग जाओ अपने घर में नित्य। क्या हो जावे लो? आप रे घर में निरंतर लक्ष्मी नारायण की बरसात होन लाग जावे लिए। खोजनो नहीं पड़ेला, कोई सु मांगनो नहीं पड़ेला कि भगवान लक्ष्मी की आवेली। शाम के समय परदोष की बेला निकल रही है, ये परदोष की बेला शुरू हो गई है और 6:30 बजे तक परदोष है, 6:30 के बाद गौधली है, और गौधली में मेरे भाई बहन जब भगवान गाय चरा के आवे
तो वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण यो कर्ण कारम विभ्रद वासा कनक कपिसम वै जयंतिम च मालाम रंध्राण वेणु रधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान गैया चरा के आवेला तो पहली नजर मारे घर के ऊपर आवेली बाप जी, यो सुमरण रहना चाहिए आपको। संगत संत चरणों में बैठे रामदेव जी महाराज सत्संग कर रहा है। साधु कौन है? कबीर दास जी के हरेक पदों में लिखा हुआ है, कहत कबीर सुनो भाई। एक दिन कबीर दास जी ने बेलोग सब लोग बोलिया कि भाई खाली साधु रे वास्ते लिखा करो, कभी मारे वास्ते भी लिखा करो। कहत कबीर सुनो भाई बनिया, कहत कबीर सुनो भाई बामन, कहत कबीर सुनो भाई फलांचन, खाली साधु संतरा वास्ते लिखो। कबीर दास जी बोलिया साधु नहीं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो मतलब सुन करके जीवन में साध लो, वो घर में है साधो। संगत में सत्संग में बैठो, कानाऊ हुणो और आप जीवन में हाथ लो, वो है जीवन में घर में बैठा बैठा चलता फिरता साधो। संत कौन है? असली साधु कौन? साधु ना दिखे तापता तो बढ़ती ना दिखे बैल, सूरज चलता ना दिखे ऐ सब कुदरत राखे। साधु ना दिखे तापता बढ़ती ना दिखे बैल, सूरज चलता ना दिखे ऐ कुदरत का। घर में मनी प्लांट लागोड़ो है, तुलसी को क्यारी लागोड़ी है, कभी बढ़ती नहीं दिखे और सूरज चंद्रमा चली कभी चलता नहीं दिखे। असली साधु कभी माला फेरता कौन दिखे? संत गारिया है, संगत करनी संतरी क्या नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नगरी, संत मिलावे राम। कल मैं कथा में बोलियो तो निवेदन करूंगा बाबूजी से इस भजन में जरूर विराजमान रहे, क्योंकि ये भजन आपके स्वरूप को देख के ही, हमारे घर में बुजुर्गों को देख के ही घर में वैराग्यता और हमारे आचरण का शुभ आचरण मालूम पड़ता है। रामदेव जी गुरु के सत्संग चरणों में बैठे हैं, मैं चाहूंगा 5 मिनट आप रामदेव जी के चरणों में बैठ करके इस भाव का, इस खाली ये जो पर्चा है रामदेव जी का, इसमें आप जरूर विराजमान रहे, मैं व्यासपीठ से आपको नमन करूंगा। बोलिए रामदेव जी महाराज की। संगत करो नी निर्मल संतरी मारी हेली, ये संगत करो नी निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाए रे, आवागमन मिट जाए, आवागमन मिट जाए रे, आवागमन मिट जाए रे, हे संगत करो नी निर्मल संतरी मारी हेली, संगत करो नी निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाए रे, जन्म मरण छूट जाए, चंदन उग्यो रे
रही है सुगंध छा, संगति करो नी निर्मल सन तेरी मन है संगति करो नी निर्मल सन तेरी मन है आवागमन मिट जाए रे जन्म मरण छूट जाए। संत बोलिया एक घर में एक एक बगीचे में चंदन रो पेड़ उगयो परिवार वाला। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बगीचे में जीता भी आवता बिने चंदन की खुशबू आवती, बगीचे में खुशबू कर दियो आप सुगंध औरों ने करी और रही रे सुगंधी छाए, संगत करो नी निर्मल संतरी आवागमन मिट जाए। एक घर में भगवान का भक्त होया, आप तो दुनिया में बड़ा होया, लेकिन आप रे परिवार वालों ने भी सबने बड़ा कर दिया नाम सो। लेकिन मारा भाई बहन एक गांव रे मायने ऐसो भी होयो कोई नहीं भी हो, बांसी उग्यो रे डर ढूंग रे मारी हेली, बांसी उग्यो रे डर ढूंग रे मारी हेली, थरक रही रे वन मायरे थरक रही वन राय, आप जड़े और आने बाल सी मारी हेली, आप जड़े और आने बाल सी मारी हेली, एक कपट गांठी रह जाए रे कपट गांठी रह माय, आवागमन मिट जाए रे जन्म मरण छूट जाए, अरे आवागमन मिट जाए रे जन्म मरण छूट जाए। एक संत कार्या था, जीवते बाप ने रोटी ना घाले, जीवते बाप ने रोटी ना घाले, ए भाई चलावे जारो भेद समझ नहीं आवे, पत्थर रो एक नाग बनावे बिने पूजन जावे, और सांचो लो जद नाग सामने आवे तो लाठी मार लगावे, नाग आ गयो नाग आ गयो नाग आ गयो तो दूध पाई का वास्ते, दूध पाई का वास्ते नाग ने दूध पिलाओ ला तो कहीं आसी। नाग पंचमी में दूध पिलाया, नौमी आई तो गोगा जी साक्षात गोगा नौमी प्रकट हो गया नाग लेर, बोलो गोगो जी महाराज की लाठी मार भगाया, रे रे नाग आवन लाग्यो, माटी री गणगोर बनाई छोरिया पूजन जावे, और चार दिनारे बाद छोरिया कुआ में घमकावे, दुनिया उल्टी रीत, मारो तेल बड़ा घी गाल घुड़ला घूमेला जी घूमेला, और घुड़लेरा दिनड़ा चार जवाई राजो ले जावेला। सोचो आप, जीवते बाप ने कदी रोटी नहीं खाली, पिताजी कहता अरे बेटा तोरू रो साग बन जावे तो आनंद हो जासी,
एक दिन तोरू रो खिलाए को नहीं, और जी दिन बाबू जी किया भी दिन श्राद्ध रे मायने खाली तोरू ही चाल रहे है। बाजार में एक दिन तोरू नहीं है बेटा। अरे बेटा कदी कदी बेटा हरिद्वार लेर चाल रहे, कदी बाबू जी ने हरिद्वार कौन ले गयो, और जी दिन बाबू जी किया भी दिन लोटा लेर हरिद्वार ही भूग गया आप। कहीं पिताजी ने कदी घुमाऊन ले जाओ, कदी बाबू जी ने कदी रामनाथ लेके जाओ, कदी रंगनाथ लेके जाओ। पिताजी आप मारे घर रे मायने हो, दुनिया री सारी संपत्ति में लेके विराजमान हो। ऐडी कृपा हो गई संता रे चरणों में रामदेव जी महाराज बैठे है, आंखियां खुली और रामदेव जी महाराज, रामदेव जी महाराज को हाथ, रामदेव जी के शीश पे गुरु जी को हाथ। गुरु जी बोलिया बेटा अरे बारे बारे कोसा माही मान को ना दिखे, बारे बारे कोसा माही मान को ना दिखे, बोया मान को ना दिखे। अरे बेटा मार गियो भूलोड़ कठे सो आयो जियो, बेटा मार गियो भूलोड़ कठे सो आयो जियो। अरे खम्मा 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 रे कवर अजय मालरा, खम्मा 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 रे कवर अजय मालरा, द्वारकाधीश की जय। बेटा कठू आयो मारक भूलोड़ो, आज कठू आयो? बोले गुरुजी गेंद रे कारण ये गुरु जी मैं तो मर गियो भूल्यो, गेंद गेंद मारी अठे आरे मठ में पड़ी बाप जी, तो मने गेंद तो मिल गई, और तो गए गेंद मिल गई तो फिर तू बेटा जल्दी सु 9-2-11 हो जावे। 9-2-11 मतलब गुरु जी, अरे 9-2-11 मतलब भाग जा। क्यों गुरु जी? बोले बेटा नहीं भागेला तो अब राता चाननी कर दे वाला भैरू राक्षस आ जावे, लो राक्षस आ जासी और मने भागनो पड़सी। ऐसो क्यों गुरुजी? बोले बेटा तू राक्षस से डर के नहीं भागे? बोले नहीं गुरुजी, राक्षस से डर के भाग जाऊं तो चार जना रे कुल में दाग लागे। कोने बेटा चार जना? माता तो मैणा दे मरा एक मारे कुल में, अरे पिता अजमाल जी जो पिता मने आत्मज सु जन्म दिया है पिता रे कुल में, और मारा गुरु बालक नाथ कहा वो मारे गुरु जी रे कि बिरो चेलो भाग रहे है, और मारो नाम राम देव कहा वे जियो, खम्मा 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 रे कवर अजमाल, घड़ी घड़ी खम्मा रे कवर अजमाल। गुरु जी मारे कुल में, पिताजी रे कुल में, गुरु रे वंश में, और तंवर जाति के रामदेव रे वंश में दाग लग जासी कि रामदेव राक्षस ने देख के भाग्यो है। बेटा सारी बात समझ में आ गई लेकिन एक समझ में कोनी आई, कौन सी? गुरु जी तू मने गुरु कद बना लियो। अब आर थोड़ी देर पहले गुरु जी जत्थे संगत करो नी निर्मल संतरी मारी हेली, हेली मतलब आत्मा। राजस्थान में हे अनेकों शब्दों से आत्मा ने ज्ञान दिया गया है, बजले पंछीड़ा हरि नाम नाम सु त्रिजासी, पंछी भी आत्मा ने कहे गयो है, हे आत्मा हे पंछी रूपी आत्मा, बजले पंछीड़ा हरि नाम नाम सु त्रिजासी, जीवत आवे लो काम मर्या थारे संग जासी। हेली भी आत्मा ने कहे गयो है, पवित्र आत्मा। मारा भाई बहन एक बार जोर से बोलनो पड़े लो और भाव से बोलनो पड़े लो। रामदेव जी महाराज गुरु जी ने बोलिया बस गुरु जी अभी थोड़ी देर पहली आप रे संगत चरणों में बैठे हो तो थे मारा गुरु जी और मैं आप रो चेलो बन गयो। बेटा बहुत जल्दी गुरु बना लियो। गुरु जी कोई ताता चीप या चेपने को दस्तूर रह गयो है तो वो भी चेप लो, मारे चेलो तो मैं ही रहूंगा थारे। कोई वंश में चीपियां रखे नाथ संप्रदाय में संतों के हाथ में चीपियां रहते हैं, कोई और चीपियों गरम कर चेपनो है वो ही चेप लो थे मारे, लेकिन चेलो तो मैं ही रहूंगा। नहीं बेटा तेरे जी अकलो चेलो बन जावे तो गुरु का भी नाम हो जावे। देखो कभी कभी पिता नाम नहीं करता है कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी घर में उस पिता के घर में ध्रुव ना ध्रुव जैसे बेटा होते हैं तो अपने पिता और अपने दादा और अपने वंश का नाम कर देते हैं। गुरु भी बोलिया कि बेटा आज मारे वंश में तेरे जैसो चेलो आयो है
मन लागे हमारे भी आ नाथ संप्रदाय में आज कोई रामदेव जैसो चेलो नाथ संप्रदाय ने आगे बढ़ावेला। अनेकों संप्रदाय हमारे यहाँ चार संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, गिरी संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय। गिरी से अनेकों आप देखेंगे अवधेशानंद जी गिरी संप्रदाय से हैं। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।